नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो रुक करते हैं अगली खबर पर। आते जाते हुए सब पे नजर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। आते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं। मालथोन के कन्हैया को देखकर 1980 में बनी फिल्म शान में अब्दुल का पात्र निभाने वाले मजहर के इस गीत को लोग बरबस ही याद कर होंठों पर गुनगुनाने लगते हैं। नाम अब्दुल है मेरा, रखता हूं। सागर जिला के मालथुन निवासी कन्हैया रेंकवार 8 वर्षों से सड़क पर भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। एक गंभीर बीमारी में स्वयं के दोनों पैर खो बैठे कन्हैया करीब 8 वर्ष पूर्व एक मेहनती मजदूर किसान था, जो मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कन्हैया के पैरों में आई अचानक गंभीर बीमारी ने उसका सब कुछ छीन लिया और वक्त ने उसे भिखारी बना दिया। कन्हैया बताते हैं कि मेरे दोनों पैरों में कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से दोनों पैर कट गए। पालन पोषण करने के लिए मंदिर मस्जिदों के पास जाकर भीख मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं। शासन की योजनाओं में पेंशन के रूप में 600 रुपये भी मिलते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में 600 रुपये में परिवार का पालन पोषण करना नामुमकिन है। इसी वजह से भीख मांगने को मजबूर है। कन्हैया को अब बैंक ऋण की दरकार है, ताकि वो बैंक ऋण की राशि से कोई रोजगार कर सके और भीख ना मांगना पड़े। मालथुन जनपद पंचायत से दिव्यांग कन्हैया को ट्राई साइकिल मिली थी, लेकिन वह साइकिल चलाने में असमर्थ है, इसलिए अब यह दिव्यांग हाथ से बनी गाड़ी, जिसे बुंदेलखंड में गिड़गिड़िया कहते हैं, उसी पर सवार होकर भीख मांगने का कार्य कर रहा है। सुरेंद्र जैन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, मालथुन। और बच्चे कोई सहारा नहीं देते, जो मजदूरी कर पाते हैं वे अपना पेट नहीं भर पाते हैं, इसलिए हमें विवश हो गए। मंदिर पे भी जाना पड़ता, मस्जिद पे भी जाना पड़ता है, और अपने आम व्यक्ति से भी पैसा मांग कर अपना खर्चा। और आपके पैरों को क्या हुआ? हमारे पैरों में, एक पैर में हमारे कैंसर हो गया था, ये कट गया, फिर दूसरे में दर्द हुआ, तो डॉक्टर साहब के पास गए तो बोले जी इतना भी हो गया है। तो हमने कहा साहब अब क्या करना, कहीं यहाँ से कटेगा, हमने कहाँ छोटा। करीब कितने साल हो गए? करीब इसको हो गए 8 साल। और आपको जो गवर्नमेंट द्वारा साइकिल वगैरह कोई मदद? साइकिल वगैरह की कोई मदद नहीं मिली भाई साहब, एक बार साइकिल मिली थी तो हमने चलाने देखी, तो वो एम्बुलेंस हो रही थी, इसलिए वो चला नहीं पा रहे, वो 3 पहिए वाली। और हमारे घर से ढाल है, तो ढाल में घाट में हम नहीं चला पाते, चला नहीं पाते। सहायता क्या क्या मिलती है आपको? सहायता हमें पेंशन 600 रुपये मिलते हैं भाई साहब, जैसे सेंट्रल बैंक से, बाजार की बैंक। उसके बाद वो आपके लाने और सहायता? उसके बाद हमारे लिए अभी सब कुछ सहायता। राशन पानी कुछ? राशन पानी मिलता है कंट्रोल से, तो बाल बच्चे ले लेते हैं, जो लोग हमें दे देते हैं खाना से हम खा लेते हैं, नहीं देते तो हम अपनी भीख मांग कर खा लेते हैं। खाना पीना तो हमें कुछ पड़ेगा यार, कोई बुरी भी पीते हैं हम, है बुरी समाग पीते हैं, हमें जरूर पैसा चाहना पड़ता है। शासन से आपकी क्या मांगे? शासन से हमें 600 रुपये मिलते हैं, तो क्या होता है? अब क्या चाहते हैं आप? शासन से हम जो चाहते हैं कि अगर हमें लोन दे देगा तो हम कोई धंधा करेंगे, तो भीख मांगना बंद हो जाएगा, उसके बाद हम दे दो अपन पढ़े लिखे, अगर कुछ अनाज मिलाकर तो चाय की दुकान कर लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। इसलिए ये सोच रहे भाई साहब आप लोगों ने विनती है, या गाड़ी दिलवा दो हमें, कुछ मदद हो जाएगी, हम सागर भी जा सकते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर भी जाकर अपना गुजारा कर सकते हैं, देश का भ्रमण कर सकते, सुख दुख भी देख सकते हैं।